नमस्कार दोस्तों, एकेएम इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि VSDC फ्री वीडियो एडिटर में किसी टेक्स्ट किसी अक्षर को कैसे इंसर्ट करवाते हैं और उसमें इफेक्ट कैसे देते हैं, उसकी लुकिंग कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, लेफ्ट में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के नज़दीक ये देख लीजिए टेक्स्ट टी टी लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये फ्रॉम कर्सर पोजीशन कहीं से भी आप टेक्स्ट की ये पोजीशन चुन सकते हैं और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। जैसे 33 मान लीजिए, मैं लेना चाहूँ इसको 1 सेकेंड, मान लीजिए 10 सेकेंड तक। ये मैं दोबारा चुनता हूँ इसको, ये 10, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब कहीं ये आपको ड्रैग करना है इसको, ये यहाँ से पकड़ कर मैं मान लीजिए इतना बड़ा टेक्स्ट, तो ये 10 सेकेंड तक का मतलब कि इसकी ड्यूरेशन है 10 सेकेंड की और ये टेक्स्ट आ गया है। हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इस अंदर से इस टेक्स्ट का अगर हमको नाम चेंज करना है, हमें क्या टेक्स्ट लिखना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए राइट में इसकी प्रॉपर्टीज है और टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, और यहाँ से इस पर लास्ट में क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए टेक्स्ट एडिटर आ गया है। इस पर एंटर टेक्स्ट को हटा दें क्योंकि ये अभी लिखा हुआ है एंटर टेक्स्ट, इसके जगह में दूसरा लिखना है तो हम दूसरा लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे इट इज माई AKME इन्फोटेक टेक्स्ट, मान लीजिए ये हमने लिख दिया है इट इज़ माई AKME इन्फोटेक टेक्स्ट, तो ओके कर दीजिए। तो देख लीजिए अभी यानी कि कमी क्या आ रही है इसमें, हम ड्रैग तो कर सकते हैं जैसे यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, ये देख लीजिए कोने में, ऊपर नीचे साइड में लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाई कम दे रहा है। देख लीजिए प्रीव्यू में, अब अगर हम करेंगे तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये टाइप भी मान लीजिए आप दूसरे टाइम न्यू रोमन जैसे न्यू फॉन्ट में आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इस फॉन्ट को चेंज करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए रिसाइज वाली और रंग वाली, तो रिसाइज इसकी हमने हमको रिसाइज यानी कि साइज बड़ी करनी है, तो आप राइट में जाएंगे और ये देखिए टेक्स्ट फॉन्ट और इस पर फिलहाल है तो हम ताहोमा 28 PT यानी कि 28 तो इसकी वो है साइज और ये है टेक्स्ट तो तेहमा, तो इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से चुन सकते हैं। इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, और टाइम न्यू रोमन या कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए आपको फारस हिंदी वो कर देंगे, मान लीजिए ये करना है ये कर देंगे रेगुलर या बोल्ड कर देंगे, और इसको साइज हमें बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे या इससे भी ज़्यादा करनी है तो शो कर देंगे, ठीक है। स्ट्राइक आउट यानी कि बीच में से कट वाली लाइन आपको देनी है तो स्ट्राइक आउट पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, या अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके कर देना है। ये देख लीजिए इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया आपकी बार, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ इफेक्ट दें, इसको देख लीजिए मूव तो कहीं भी आप ये कर सकते हैं, इसमें अगर आप इफेक्ट देना चाहें तो इस पर टेक्स्ट की ये जो टाइमलाइन में जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ये आ रही है इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ये डबल क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद में वीडियो इफेक्ट ऊपर से एडिटर टैब में जाकर वीडियो एडिटर टैब चुननी है, और इसमें ये एडजस्टमेंट वाला कोई भी ब्राइटनेस का आप टेक दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन बताऊंगा, बाकी के नॉर्मल है। मेन मेन जैसे इसमें स्पेशल ये इफेक्ट है फायर वाला, तो फायर पर क्लिक करें, वॉल पेरेंट ड्यूरेशन करेंगे तो यानी कि पूरे जितना भी ये 10 सेकंड का टेस्ट है तो 10 सेकंड पूरे वो इफेक्ट भी 10 सेकंड लगातार रहेगा, तो ओके कर दिया, ये 10 सेकंड तक लगातार रहेगा। प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट आया इसमें, ये आप देखेंगे कि इसमें ये देख लीजिए दिखा नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है इसको क्लोज कर दे और ये इस पर एक बार सीन में जाएंगे और थोड़ा छोटा करेंगे ऐसे, ये इसको
ये छोटा कर दिया। इसके बाद में आप वापस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया और यहाँ से इसकी लेवल जो है वो बढ़ा देंगे। अब आप प्रीव्यू में जाएंगे, देखेंगे, ये देख लीजिए, इट इज़ माई एकेएम इन्फोटेक टेक्स। तो ये देख लीजिए अग्नि कैसा दिख रहा है, यानी कि इसमें अग्नि से जल रही है, ठीक है। ये हो गया फायर इफेक्ट। इसके बाद में इसको डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से। अब दूसरा बताऊँगा, स्पेशल इफेक्ट में जाएंगे, वाटर, ये जैसे वाटर का लगा सकते हैं। ये देखना, ये वाटर का इफेक्ट, ये देख लीजिए ये टेक्स्ट कैसे कर रहा है, जैसे पानी का कोई बुलबुला हो, पानी का कोई अक्षर हो, ठीक है, ये वाटर का इफेक्ट है। इसके बाद में एक इफेक्ट और है जिसका नाम है ये प्लाज्मा का इफेक्ट। प्लाज्मा का इफेक्ट यानी प्लाज्मा के जैसे दिखना चालू हो जाएगी। ये देखिए, इट इज़ माई एकेएम इन्फोटेक टेक्स, ठीक है। इसके बाद में इसके और कई इफेक्ट, आप चाहते हैं कि मैं इसको और भी लुकिंग देना चाहता हूँ तो कैसे दूँ? तो सबसे पहले आप वीडियो इफेक्ट में जाएंगे और एक तो ट्रांसपेरेंसी में आपको बताऊंगा, जैसे फेड इन आपको करेंगे, फ्रॉम स्क्रीन बिगिन ये चुनना है, ओके कर देंगे। तो यानी कि शुरुआत में जब भी ये टेक्स्ट आपके सामने आएगा चलते हुए, तो मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि प्रकट हुआ है अचानक, यानी कि थोड़ा धुंधला धुंधला सा होकर फिर अचानक साफ दिखाई देगा। इसी तरह से ये प्रयोग करके देख लीजिए, ये देख लीजिए, वापस देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए, यानी कि पहले थोड़ा सा धुंधला है और फिर आएगा, पहले थोड़ा सा धुंधला है फिर पूरा आएगा, यह है फेड इन। इसी तरह आप फेड आउट भी दे सकते हैं, जैसे मैं फेड आउट दूँ, इसमें वीडियो इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और फेड आउट, ओके। ये देख लीजिए स्क्रीन के लास्ट में लग गया है और ये देख लीजिए मिट गया है। इस तरह से प्रकट होगा, ये देख लीजिए, ये इस तरह से प्रकट होगा और लास्ट में इस तरह से जाके मिट जाएगा, ठीक है। ये हो गया फेड इन और फेड आउट। यानी कि कई बार हम वीडियो लगाते हैं तो कोई दूसरा वीडियो लगाते हैं तो यानी कि पता नहीं चलता इससे फेड का, अगर हम इफेक्ट दे देते हैं फेड इन फेड आउट का एक दूसरे वीडियो में, तो जो भी वीडियो हम जोड़ेंगे तो उसका ज़्यादा पता नहीं चलेगा लोगों को, देखने वालों को, कि इसमें चेंजिंग हुआ है। इसके बाद में एक और इफेक्ट बताऊंगा मैं, जिसे ट्रांसफॉर्म में आप जाएंगे तो आप रोटेट, ये रोटेट पर क्लिक कर दिया आपने और वॉल पेरियड ड्यूरेशन चुन लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो रोटेट मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता देता हूँ। यहाँ से आप इसका ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पैरामीटर चेंज करेंगे। अगर यही चेंज किया ना तो आपको मान लो 70 पर करना है तो पूरा वीडियो 70, यानी कि फिलहाल 100% है और फिर 70% तक जूम हो जाएगा, यानी कि रोटेट हो जाएगा 70 डिग्री तक, यानी कि अब लगातार ऐसे रहेगा, इससे चेंज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि 0 से लेकर 70 तक करूं, तो उसके लिए आपको ये वाला चुनना पड़ेगा। तो पहले इस पॉइंट की पोजीशन देख लीजिए, 0 कर दीजिए इसको, और ये लास्ट वाला देख लीजिए आप 70, यहाँ से आप ये 70 हुआ है, या इसको 100 भी कर सकते हैं आप, यानी कि 100 डिग्री तक ये घूमेगा 10 सेकेंड तक। तो प्रीव्यू करके देख लीजिए आप, ये देख लीजिए 0 से लेकर 30, 50, 60, ये बाकी का 90 आने वाला है, ये 90 हो गया, और ये लीजिए 100 तक ये आ गया। तो ये है रोटेटिंग का इफेक्ट, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये नहीं देना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, इससे कभी कम जा, कभी मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसके फ्रिक्वेंसी कितनी बार होगा तो ये मैं 5 कर देता हूँ। यानी कि 50 डिग्री, 0 से लेकर 50 डिग्री तक घूमेगा, फिर वापस 50 से 0 तक आएगा, ये इफेक्ट है। तो देख लीजिए आप खुद समझ जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, ये 50 पर गया ये 0 पर आया, ये 50 पर गया ये 0 पर आया, ये 50 पर गया ये 0 पर आया, इस तरह से ये रोटेटिंग यानी कि टेम्पलेट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जूमिंग का इफेक्ट। तो वीडियो में इफेक्ट में जाएं और ट्रांसफॉर्म में जाएं और जूम पर क्लिक करें, कर दिया, और वॉल प्रिंट यानी कि पूरे 10 सेकेंड तक जूम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कम, यानी कि 2 सेकेंड तक ही जूम होना चाहिए तो इसे हो सकता है। आप चाहते हैं कि 0 से लेकर मैं 100 तक इसको जूम करूँ, तो ये देख लीजिए मैंने बताया था आपको, यहाँ से इसमें एक्स और वाई का दोनों का चुनना है। तो पैरामीटर अगर आपको 0 से लेकर
100 तक चाहिए इतने सेकंड तक, तो ये पैरामीटर चुनेंगे आप दूसरे नंबर का। और पहले पोजीशन की ये जो वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू, ये 0 कर देंगे, एंटर दबा देंगे। और लास्ट पॉइंट की जो वैल्यू है ये 100 है ही, यानी कि 100 तक आ जाएगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए इसी प्रॉपर्टीज को, और जो वाई लेवल है जूम की, उसमें जाकर आप पेस्ट कर देंगे, जिससे वाई लेवल में भी यही इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया है मैंने, और हम ये देख लीजिए राइट से जूम एक्स जूम वाई लेवल है, इस पर लास्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। तो वैसा का वैसा पेस्ट हो गया है वो इफेक्ट जूमिंग का। और अब आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ये प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया, ये देख लीजिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है हमें इस टेक्स का। और ये देख लीजिए, यानी कि ये इतने सेकंड तक हमने जूम किया था लगभग, ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, 2 सेकंड तक, 1.25 सेकंड या 2 सेकंड तक हमने इसको जूम किया था। आप चाहते हैं कि 10 सेकंड तक ये जूम हो, इसकी जितनी ड्यूरेशन है उतनी ये जूम हो, तो ये भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए धीरे धीरे आ रहा है 10 सेकंड तक जूम होने होगा। ये देख लीजिए, ये टेक्स्ट का जूमिंग इफेक्ट आप समझ गए होंगे शायद। और मैं तो ये कहूँगा आपसे कि जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूज करेंगे, जितना इसको मतलब मस्काएंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। और इसमें एक और बता दूँ आपको, अगर आप इसमें कलर देना चाहते हैं, इसमें आप मान लीजिए कलर देना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो मैं आपको बता देता हूँ कलर कहाँ से देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे टाइमलाइन के टेक्स्ट पर, और ये देख लीजिए कलर, ये टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पर लास्ट में क्लिक करेंगे और ये कोई भी कलर आप चुन लीजिए। ये मान लीजिए नीला चुन लिया, ये मान लीजिए लाल चुन लिया मैंने, तो ये लाल दिखा देगा। ठीक है, एनालिसिस मैंने आपको बताया थी, एनालिसिस यूज इसका, एनसीलाइजिंग का यूज अगर आप करेंगे, तो ये इसका किनारा जो है टेक्स्ट का, ये स्मूथ दिखाएगा आपको, यानी कि प्लेन दिखाएगा आराम से। और अगर आप इसको यूज नहीं करते एनसीलाइजिंग को, तो अगर आप इसको विदाउट एनसीलाइजिंग करेंगे, तो इसका यानी कि किनारा है ना फटाफटा, ये देख लीजिए फटाफटा किनारा दिखा रहा है। तो इसको आपको अगर चाहते हैं कि मैं यूज करूँ तभी ठीक रहेगा, तो यूज एनसीलाइजिंग। ठीक, अब आपका ये टेस्ट का किनारा स्मूथ दिखा रहा है। तो ये लीजिए, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें कैसे इफेक्ट देते हैं, उसको कैसे छोटा बड़ा करते हैं, और उसमें कैसे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे हमारी दूसरी वीडियो में, आप देखना हम कैसे उसमें, और भी कई प्रकार के टाइटल हैं, कई वीडियो बनाए हैं हमने, आप देखें। और भी अगर VSTC के बारे में आप ज्ञान लेना चाहें, तो वो हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो साथ ही साथ हमारे चैनल एकेडमी इन्फोटेक को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आपको यूट्यूब पर तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।